तो उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एमपी दौरा आज, दो दिवसीय एमपी दौरे पर रहेंगी मायावती। अशोकनगर जिले में चुनावी सभा करेंगी मायावती। और देखिए आपको बता दें कि निवाड़ी जिले में भी चुनावी सभा मायावती करेंगी। तो एक तरफ अखिलेश यादव तीन दिवसीय दौरे पर है, तो उधर अब दो दिवसीय एमपी दौरे पर पहुंचेंगी मायावती। और मायावती इस दौरान जनसभाओं को भी संबोधित करेगी। अशोकनगर जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी मायावती। तो साथ ही निवाड़ी जिले में भी चुनावी सभा करेंगी मायावती। तो देखिए निवाड़ी जिले में और इसके अलावा अशोकनगर जिले में भी मायावती चुनावी सभाएं करने वाली है, यानी कि अब मायावती भी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। दो दिवसीय एमपी दौरे पर मायावती पहुंचेंगी और इस दौरान चुनावी सभाओं को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। तो अपने संबोधन में क्या कुछ मायावती की तरफ से कहा जाता है, इस पर नजर रहेगी कि किस तरीके से विपक्ष पर, बीजेपी पर, कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर बरसती हुई मायावती नजर आएगी आज चुनावी सभा के दौरान। दो जिलों में चुनावी सभा करने वाली है, अशोकनगर, इसके अलावा निवाड़ी जिले में ये सभा रहेगी। आपको इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वक्त बेहद ही कम बचा हुआ है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और मायावती भी अब पीछे नहीं है। मायावती भी दो दिवसीय दौरे पर एमपी पहुंची। अश्वनी लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्वनी देखिए, मायावती भी अब पीछे नहीं है, मायावती भी अब मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी और इस दौरान चुनावी सभा भी मायावती करेंगी। बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो मायावती आज जो है दो दिवसीय दौरे पर आज जो है मध्य प्रदेश पहुंच रही है। दो जिलों में अशोकनगर और निवाड़ी में जनसभाएं करेंगी। कहीं ना कहीं उनको संभावनाएं दिख रही हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी जो है सीटें निकाल सकती है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर काम कर रही है। हालांकि राजस्थान में भी वो दौरे कर रही हैं। पिछले चुनाव में देखा गया था, राजस्थान में जब हुआ था विधानसभा का, उस दौरान बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ पर किया था बसपा ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कोर पार्टी उनकी है, कोर वोटर उनका है, वहाँ पर इतनी सक्रिय मायावती आखिर क्यों नहीं होती हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव देखा गया, कितनी उन्होंने रैलियाँ की। 2022 जो अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए, उसमें एक भी रैली मायावती ने की। उपचुनाव में हिस्सा ही नहीं बसपा लेती है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में वहां पर जीरो परफॉर्मेंस करने वाली पार्टी आखिर मध्य प्रदेश पर इतना फोकस क्यों कर रही। 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट आई थी बसपा की। 2017 विधानसभा चुनाव में मात्र 20 सीटें आई थी और ये वो पार्टी है जिसने कई बार जो है बसपा ने उत्तर प्रदेश में शासन भी किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मायावती को क्या कुछ दिख गया है बसपा वहां मध्य प्रदेश में, जो लगातार वहां के दौरे कर रही हैं, लगातार वहां पर चुनावी प्रचार कर रही हैं। हालांकि जितना संघर्ष वहां पर दिखाई दे रहा है, उतना नुकसान जो कांग्रेस का होता ही दिखाई दे रहा है। तो जानकार जो है उनका कहना है, जितनी सक्रिय मायावती होंगी या फिर जितनी सक्रिय अखिलेश यादव होंगे, ये नुकसान जो है सीधे तौर पर कांग्रेस का होगा। यानी कि अश्वनी ये समझा जाए कि मायावती अगर मध्य प्रदेश में अब चुनावी सभाएं करने के लिए पहुंची है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक्टिव मायावती अब आगे आने वाले वक्त में नजर आएंगी, क्योंकि दो दिवसीय दौरे पर भी पहुंचने वाली है, तो मायावती को फायदा कुछ हो या ना हो, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अगर बात करें, कांग्रेस इस बार चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के सारे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव के पहुंचने से कहीं ना कहीं उसमें छिटकाव जरूर हुआ है और अखिलेश यादव और मायावती उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर उनका कोर वोटर ज्यादा है। अखिलेश यादव बाहुल्य और ओबीसी बाहुल सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मायावती जो है दलित बाहुल क्षेत्रों में, आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ मुस्लिम वोटर बैंक भी है, वो भी उसमें बंटवारा होगा और बाकी दलित और जो ओबीसी वर्ग हो कहीं ना कहीं उसमें भी बंटवारा होगा। तो निश्चित तौर पर सीधा नुकसान कांग्रेस का होने वाला है। भाजपा भी कहीं ना कहीं मंद मंद इस मामले को, इस चीज को लेकर मुस्कुरा रही होगी कि किस तरीके से हल्ला बोल हुआ कि इंडिया गठबंधन होगा, मायावती को भी साथ लाया जाएगा और किस तरीके से बिखराव धीरे धीरे हो रहा है। अब कहीं ना कहीं मोर्चा 2019 के तरीके से बनकर तैयार होगा और कहीं ना कहीं फिर एक हवाबाजी एक मंच पर दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से 3-4 बैठकें इंडिया गठबंधन की हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं एकदम ध्वस्त होने की ओर जो है इंडिया गठबंधन पहुंच गया। अब धीरे धीरे देखा जा रहा है नामो निशान मिट रहा है इंडिया गठबंधन का। अभी बिल्कुल धीरे धीरे जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उसके बाद यही नजर आ रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं रार पड़ चुकी है और इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।